तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कौनी गेम प्ले वीडियो में। और इस वाले मैच में भाई मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड, और यहाँ पर मैं ओल्ड बेसिन में आया हूँ। और भाई इस वाले मैच में भाई काफी ज्यादा भाई देखने को मिलने वाली, तो बस एंड तक देखना। फिलहाल यहाँ पर एक स्क्वाड आती है और मेरे को तरह के साथ ही गन्स मिल जाती है, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं बंदों को। और यहाँ पर इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो जाती है। लगभग सभी को गन मिल चुकी थी, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल फेयर फाइट हुई। और यहाँ पर मैं बाल बाल बच जाता हूँ, क्योंकि एक बंदा लेट कर स्प्रे कर रहा था और उस बंदे ने मेरे को काफी ज्यादा लो भी कर दिया था। तो यहाँ पर इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इन बंदों को निपटाने के बाद सबसे पहले मैं इन बंदों के क्रेट लूट लेता हूँ, और यहाँ से थोड़े बहुत हीलिंग्स उठाकर मैं थोड़ा बहुत हील कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक दो बॉट आए थे जिनको निपटाने के बाद मैं सीधा निकल लेता हूँ गाड़ी उठाकर बंदों की तलाश में, और सीधा आता हूँ मैं थर्ड हिल, क्योंकि थर्ड हिल से फ्लाइट रूट था और वहाँ पर बंदे भी मिलते, तो मेरे को बस देखना। और यहाँ पर मेरा मरना तय था अगर ये बंदा अंदर आया था या फिर मतलब बाहर साइड मेरा वेट करता, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो थी। और ये बंदा एक गलती कर देता है कि इससे जंप का बटन दब जाता है और भाई इसको अंदर आते आते तुम्हारा भाई मार देता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं सारे किल कंफर्म करूंगा और इस बोट को भी निपटाता हूँ, जो कि भाई काफ़ी देर से परेशान कर रहा था मुझे। और ये वाला मैच खास इसलिए क्योंकि भाई इस वाला मैच में मेरे को कहीं पर भी प्रॉपर लूट नहीं मिलती, और बिना लूट के लास्ट में निपटाएंगे, और लास्ट में तो लगभग मेरी सारी की सारी एमो समाप्त होने वाली थी। लेकिन बस देखना लास्ट वाले स्कोर को कैसे मारेंगे और बस इन्जॉय करना, क्योंकि इस वाले मैच में AKM+6X भी देखने को मिलने वाला है। मतलब स्प्रे तो नहीं सकते, टैप टैप ये, तो वही एंजॉय कर लेना। अब उसके बाद मैं यहाँ पर सारी क्रेट लूट रहा था क्योंकि मेरे को चाहिए थी लूट, लेकिन भाई कुछ भी मेरे को मिलता नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मतलब थोड़ी बहुत लूट ही कर लेता हूँ थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से। अब उसके बाद यहाँ पर देखो मैं जैसे गाड़ी में बैठता हूँ, आपको राइट साइड में देखो थर्ड हिल में एक बंदा दिखेगा बिल्कुल ओपन में भागता हुआ। तो यहाँ पर मेरे को लगा था कि वो बॉट है, लेकिन भाई वो एक रियल बंदा होता है। मैं चेक करने जाता हूँ और भाई बस देखना कैसे निपटाते इस बंदे को। अब देखो यहाँ पर मुझे इतना तो जरूर पता था कि भाई जिन बंदों को मैं अभी वॉच टावर में मार के आया हूँ ये उन्हीं का टीममेट है, और यहाँ पर मैं दो ही बंदों को मार कर आया था, तो भाई इधर दो बंदे होंगे। तो यहाँ पर इसलिए मैं थोड़ा अलर्ट होकर खेल रहा था, और मतलब उस चौथे बंदे का भी ध्यान रख रहा था कि भाई कब बंदा वो कहाँ से प्रकट हो जाए पता नहीं बिल्कुल भी, और क्या पता कैम करके मार दे। लेकिन भाई वो चौथा बंदा इधर होता नहीं, वो बंदा नदी क्रॉस करके उस साइड चला जाता है, और आपको पता है यार वो किधर मतलब किस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, और वो बंदा मेरे पर फायर भी करता है। अब देखो यहाँ पर इस बंदे ने फायर करके बुलाया तो भाई जाना तो पड़ेगा, तो मैं जाता भी हूँ यहाँ पर इस बंदे को निपटाने के लिए। लेकिन भाई इतने में क्या होता है कि ये ब्लू जोन भी आया था, तो यहाँ पर मैं वेट करने लग जाता हूँ कि कभी ये बंदा घर से कूदे और फिर आए जोन की तरफ। लेकिन भाई ये बंदा मतलब ऐसा करता है नहीं, ये बंदा थोड़ा सा वेट करता है उसी घर के अंदर और भाई बाद में आता है। तो बस देखना इस बंदे को भी निपटाएंगे, वो भी हम ही निपटाएंगे, तो बस इन्जॉय करना। अब उसके बाद मैं बिल्कुल सामने से जाता था, मेरे को सामने एक गाड़ी दिखती है और भाई उधर मतलब दो स्क्वाड्स की अलग ही फाइट चल रही थी, तो भाई उन्हें भी निपटाएंगे और बस देखना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भाई देखने को मिलने वाली है।
अब देखो यार, जहां तक मुझे लग रहा था कि भाई सामने वाले दोनों स्क्वाड्स की फाइट होने वाली है, तो सबसे पहले मैं इसी चीज का फायदा उठाता हूँ और गाय उठा के सीधा मतलब उस वाली क्रेट को लूट लेता हूँ जिस बंदे को मैंने पीछे मारता है, क्योंकि भाई हेल्थ किट की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक हेल्थ किट उठा लेता हूँ जो कि भाई आगे जाकर काम भी आने वाली है, तो बस देखना है यहाँ पर। अब उसके बाद मैं इन बंदों को निपटाने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर एक स्क्वाड दूसरे स्क्वाड को मार देती है, तो बारी थी अब भाई दूसरे स्क्वाड की जो कि बची हुई है यहाँ पर, तो बस देखना कैसे निपटाएंगे। और एक बंदे के पास तो स्नाइपर होती है, लेकिन बस देखना एंड में भाई उसी को निपटा कर जाएंगे यहाँ से। और भाई लास्ट की गोली इस वाले बंदे के टांग पे लग जाती है और ये बंदा मारा जाता है उसी समय पे, क्योंकि भाई इस बंदे की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो कर दी थी मैंने पहले ही, और क्योंकि भाई ब्लू जोन भी आ रहा था तो भाई उससे भी हेल्थ जाहिर होगी, तो यहाँ पर ये वाला बंदा मारा जाता है। अब उसके बाद लास्ट की स्क्वाड बची हुई थी मेरे ख्याल से, और एक बंदा तो पता नहीं कौन सा ही बचा होगा, तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, बॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं उन बंदों को इग्नोर करता हूँ, सीधा आता हूँ इस वाली जगह पर, और मुझे लगा था कि भाई इधर बंदे होंगे, लेकिन भाई ये वाली जगह तो खाली पड़ी थी। और बंदे कहाँ होते भाई अभी आपको पता लग जाएगा, और बस देखना कैसे निपटाएंगे इन बंदों को, और काफ़ी लंबी फाइट चलने वाली है, तो बस इन्जॉय करना। अब जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, मैं सबसे पहले गाड़ी की तरफ भागता हूँ पुश करने के लिए, लेकिन भाई तभी मेरे को याद आता है कि भाई वो बंदे जोन के बाहर है और मैं जोन के बिल्कुल सेंटर में बैठा हूँ, तो भाई उन बंदों को जोन में आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मस्त बैठ के वेट कर रहा था, और बस देखना। अब जैसे मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, देखो मेरी एमो समाप्त होती है, तो सबसे पहले मैं क्लोजिंग कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को जाके क्लोज में मारना ही था उस बंदे को कैसे ना कैसे करके। और ये रिज भाई मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे क्लोजिंग कर जाता हूँ, और बस देखना कैसे निपटाएंगे। और वो बंदा शायद से रिवाइव हो जाता है जिसे मैं नॉक करा था, और बस देखो यहाँ पर। और यहाँ पर इसी के साथ कर लेता तो हमारे भाई चिकन डिया। तो गाइस ये थी आज की गेम प्ले वीडियो, में कैसा लगा गेम प्ले वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। गेम प्ले वीडियो अगर थोड़ी सी भी लगे तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर से एवरी गेम प्ले वीडियो मिल जाए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पर अपने फोटो की बहुत तगड़ी वाली फैमिली होने वाली, तो भाई जाओ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम के, तो भाई वहाँ पर फॉलो कर लेना। और ये थी आज की गेम प्ले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।